करीब 160 मिलियन सालों तक धरती पर राज करने के बाद जब डायनासोर्स अपने अंत की तरफ बढ़े तो सत्ता जिसके हाथ आई वो थे मैमल्स। 6.5 करोड़ साल पहले तक जब डायनासोर्स अपनी ताकत की नोक पर एनिमल किंगडम को दबाकर रखते थे तब ये जीव भी उसी जंगल का हिस्सा थे, लेकिन इनका अस्तित्व डायनासोर्स जैसे जानवरों के सामने कुछ भी नहीं था। उन्हें ताकत में जीत पाना भले ही इनके लिए असंभव था, लेकिन आने वाला भविष्य इनके नाम लिखा जा चुका था। दोस्तों 6 करोड़ साल पहले एस्ट्रॉइड की तबाही डायनासोर्स की मौत अपने साथ लेकर आया। इसके पहले वीडियो में हमने जाना था कि कैसे डायनासोर्स धरती पर पनपना शुरू हुए। उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया और एस्ट्रॉइड के धरती से टकराते ही उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। कुछ प्रजातियों ने मिनटों में ही अपना दम तोड़ दिया जबकि बाकी बची 10% आबादी धीरे धीरे विलुप्त हो गई। अब चलिए शुरू करते हैं आगे के सफर को और जानते हैं कि 10% आबादी को किस दौर से गुजरना पड़ा और इंसान कैसे जन्मा। डायनासोर्स का अंत मैमल्स के लिए वो अवसर था जो रेप्टाइल्स के खत्म होने पर डायनासोर्स को मिला था। यानी कि सीधी भाषा में कहें तो जंगल पर अब अपनी ताकत स्थापित करने का मौका आ गया था। जंगल की दुनिया में मैमल्स वो प्रजाति थी जो डायनासोर्स के समय से ही अस्तित्व में थी। आकार में छोटे होने की वजह से ये जीव आज मौजूद चूहे जैसे थे। देखा जाए तो मैमल्स की शुरुआत इसी तरह से हुई थी। इस स्तनधारी जीव ने खुद को परिस्थितियों में ढालकर रहना सीख लिया था। फिर जब एस्ट्रॉइड के टकराने से महाविनाश का सिलसिला शुरू हुआ तो इन्होंने भी अपने कई साथियों को खोया, लेकिन ये अपनी स्पीशीज को बचाने में सफल रहे। इस महाविनाश के कारण पैदा हुई गर्मी से बचने के लिए मैमल्स ने जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया। चूहों को साइज में छोटा होने का फायदा मिला जबकि डायनासोर्स का आकार ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। जमीन के नीचे रहते हुए मैमल्स को गर्मी से राहत मिली और भोजन के रूप में उन्होंने हर तरह के कीड़ों और जीवों को अपना शिकार बनाया। वहीं बात करें ऊपरी सतह की तो वहां हो रहे वातावरणीय बदलाव मौजूद जानवरों को तिल तिल कर मार रही थी। एस्ट्रॉइड के टकराने से उत्पन्न हुई गर्मी और धूल के बादलों ने पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह से ढक लिया था। अब धरती पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन सतह पर मौजूद हीट की वजह से बहुत सारे जानवर मारे जा चुके थे। कई सालों तक जब ये सिलसिला जारी रहा तो पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए। प्रकृति का बनाया इकोसिस्टम हिल गया। सूरज की रोशनी ना मिल पाने के कारण धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती चली गई। लेकिन अब तक डायनासोर्स की आबादी धरती से विलुप्त हो चुकी थी। बचे थे तो केवल 5% जानवर जिनमें से ज्यादातर मैमल्स के परिवार से संबंध रखते थे। महाप्रलय के प्रभावों के थम जाने के बाद धूल के बादलों ने छटना शुरू किया। धरती पर एक बार फिर वातावरण ने सामान्य होना शुरू किया। पृथ्वी पर इकोसिस्टम फिर से अपने पुराने फेज में आने लगा। इस दौर में मैमल्स की प्रजाति केवल 5% तक सीमित थी, लेकिन एडेप्टिव रेडिएशन के चलते ये मैमल्स इवॉल्व होना शुरू हो गए और इनमें से कई नई प्रजातियों ने जन्म लेना शुरू किया। इस प्रक्रिया में लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदरों ने जन्म लिया। आपको बता दें कि शुरुआती बंदरों की शारीरिक बनावट आज से काफी अलग थी। इनके मुख पर आंखें आगे की ओर थी और शरीर छोटा था, लेकिन ये शारीरिक बनावट ज्यादा समय तक एक जैसी नहीं रहने वाली थी। इओसीन इपोक के इस टाइम पीरियड में प्राइमेट्स के सर में एक अहम एवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से इनके स्पाइनल कॉर्ड में भी बदलाव आया और ये 4 पैरों की बजाय 2 पैरों पर खड़ा होना सीख गए। खैर, प्राइमेट्स के अलावा एवोल्यूशन धरती पर मौजूद पेड़ पौधों और वातावरण में भी हो रहा था। वो पूरी तरह एक नॉर्मल फॉर्म में आ चुके थे और धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। करीब 4.5 करोड़ साल पहले बदलाव के चलते ही हमारे दिन 24 घंटे के हो गए। इसके साथ ही हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स में भी हलचल हुई। अब तक हमारे सभी द्वीप अपनी अपनी स्थिति पर थे, केवल एक और नई संरचना होना बाकी थी जिसके तहत 2 बड़े महाद्वीप अपनी जगह से खिसक कर एक दूसरे के करीब गए। ये वही द्वीप थे जिन्हें आज हम भारत के नाम से जानते हैं। भारत ने अफ्रीका से अलग होकर एशिया तक पहुंचने में कई लाखों करोड़ों साल लगाए। ऐसे में जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एशिया से जा मिली तो हिमालयन रेंज का निर्माण हुआ। इस निर्माण में कई ऐसी श्रृंखला विकसित हुई जिसके चलते उत्तर में भारत की भौगोलिक स्थिति बदल गई। इसके साथ ही मौसम के पैटर्न में भी भारी बदलाव आया।
इस टकराव के चलते दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन माउंट एवरेस्ट का भी निर्माण हुआ और इसके निर्माण के साथ ही ये तय हो गया कि आने वाले भविष्य में भारत में कई बड़ी नदियों का भी निर्माण होने वाला है जो इस पूरे द्वीप की फॉर्मेशन को काफी हद तक बदलने वाला था। खैर, जहां एक तरफ धरती के हर द्वीप में विकास शुरू हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ एवोल्यूशन की होड़ में जानवर भी अपने आप को काफी हद तक बदल रहे थे। द्वीप को अपने मौजूदा स्थिति में पहुंचने पर जंगलों में भारी गिरावट आ रही थी और मुख्य रूप से ग्रासलैंड्स का निर्माण हो रहा था। उधर जानवर भी घास के मैदानों में रहने के लिए एडॉप्ट हो रहे थे और साथ ही साथ नई प्रजातियों का भी विकास हो रहा था जो ग्रासलैंड्स में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे थे। पुराने मैमल्स में भले ही दूसरे जानवरों को मारकर खाने की क्षमता नहीं थी, लेकिन अब विकसित मैमल्स ने दूसरे जानवरों का शिकार करके उन्हें मार गिराने की ताकत विकसित कर ली थी और वो दूसरे जानवरों पर अपना दबदबा बनाने में भी कायम हो रहे थे। अब जंगल में मैमल्स की वही स्थिति थी जो कभी धरती पर राज करने वाले डायनासोर्स की हुआ करती थी। लगभग 1 करोड़ साल पहले धरती अपने उस स्वरूप में आ चुकी थी जैसे कि वो आज हमें दिखाई देती है। वातावरण से लेकर पेड़ पौधों तक सब कुछ अपने फुली इवॉल्व रूप में थे। कहने को तो धरती पर सब कुछ था, लेकिन अब भी एक प्रजाति थी जो धरती से गायब थी और वो प्रजाति आने वाले भविष्य में पृथ्वी के इतिहास को बदलने वाली थी। जी हाँ, ये प्रजाति थी इंसानों की। लगभग 40 साल पहले पृथ्वी पर फिर एक बड़ी हलचल हुई और अफ्रीका द्वीप के पूर्वी इलाकों में एक नई माउंटेन रेंज पनपी जिसे आगे चलकर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के नाम से जाना गया। इस पर्वत श्रृंखला के निर्माण से केवल भौगोलिक स्थिति में बदलाव नहीं आया बल्कि मौसमी हवा भी बदल गई। वहां मौजूद जंगल में हवा का प्रवाह कम हो गया जिससे मौसमी हवा वहां नहीं पहुंच पाई और नमी की कमी से जंगलों ने सूखना शुरू कर दिया। बारिश ना होने की वजह से अफ्रीका का ये क्षेत्र काफी ड्राई हो गया, लेकिन इस जंगल में रहने वाले जानवरों ने हार नहीं मानी। अफ्रीका के इसी क्षेत्र में रहते थे पिरोल इथिपिकस, जो आगे चलकर हमारे पूर्वज कहलाए। पेड़ पर रहने वाले ये बंदर एक टहनी से दूसरे पर जाने के लिए अपने आगे के हाथों का सहारा लेते थे और कभी कभी पेड़ों पर दो पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। हालांकि ये अभी तक जमीन पर नहीं चल पाए थे, लेकिन इनमें खड़े होने की क्षमता पहले से ही विकसित हो चुकी थी। इससे पता चलता है कि दो पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की खोज थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो पेड़ों पर रहते थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते जल्दी ही जमीन पर उतरने वाले थे। इनमें से कई प्रजातियां चिंपैंजी के रूप में विकसित हुईं, तो कुछ इंसान बनने के लिए विकसित हो गईं। इनकी आने वाली पीढ़ियों ने खुद को बनाने के लिए और अपने विस्तार के लिए पेड़ों से निकलकर जमीन का रुख अपनाया। आर्डिपिटिकस रेमेडीज ही वो पहले एप्स थे जो भोजन और एक नए घर की तलाश में पेड़ों से उतरकर जमीन पर आए। लाखों सालों के इस एवोल्यूशन में एप्स अफ्रीका के हर क्षेत्र में फैल गए थे, लेकिन इनके हाथ अभी भी काफी लंबे थे। पेड़ों पर इधर-उधर झूलने की वजह से इनके हाथ का आकार बिल्कुल टांगों की तरह ही था। ऐसे में कई हजार साल तक विकास से गुजर जाने के बाद इनके शारीरिक ढांचे में काफी कुछ बदलाव आने लगा था। अब ये दो पैरों पर बेहतर तरीके से चल सकते थे और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बचा सकते थे। ऐसे में ये ज्यादा दूर तक नजर रख सकते थे, अपने लिए भोजन खोज सकते थे और हाथ की मदद से उन्हें खा भी सकते थे। समय के साथ साथ विकास की ये प्रक्रिया चलती रही जिससे एप्स के शारीरिक ढांचे के साथ उनके स्कल की बनावट में भी बदलाव होता गया। पहले जो सर आकार में छोटा था, अब वो बढ़ता गया। 23 लाख साल पहले होमो हैबिलिस वो पूर्वज थे जिनके दिमाग का आकार बढ़ गया। आकार बढ़ने की वजह से ये जान गए कि बुद्धि को किस तरह से अपने सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बुद्धि का कमाल दिखाते हुए सबसे पहले हमारे पूर्वजों ने पत्थर को हथियार के रूप में शार्प करना सीखा। जैसे ही उनकी ये तरकीब काम आई, होमो हैबिलिस जान गए कि पत्थर को कैसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जैसे ये जीव हथियार को इस्तेमाल में लाए, उनके हाथों की उंगलियों और अंगूठों को भी मजबूती मिलनी शुरू हो गई। अब ये जान गए कि हथियार के इस्तेमाल से कैसे समूह में शिकार किया जा सकता है और अपनी भूख को शांत किया जा सकता है। आपको बता दें कि होमो इरेक्टस ही वो पहले पूर्वज थे जिन्होंने समूह में शिकार करना शुरू किया। साथ ही इन्होंने सबसे पहले आग की खोज मानव के भविष्य को ही बदल डाला। हम सभी जानते हैं कि मानव इतिहास में आग की खोज सबसे बड़ी खोज थी। आग के इस्तेमाल से होमो इरेक्टस जल्दी ही मांस को पकाकर खाना सीख गए। आग ने हमारे पूर्वजों को केवल ठंडी से सुरक्षा ही नहीं दी बल्कि दिमाग के इस्तेमाल के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे, तो आपको बता दें कि आग के
इस्तेमाल से भोजन को चबाने में लगने वाली ऊर्जा कम हो गई। अब वो अपनी इस ऊर्जा को बुद्धि के विकास के लिए इस्तेमाल करने लगे, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ियां बड़े दिमाग के साथ पैदा हुईं। एक बड़े दिमाग के साथ लगभग 2 लाख साल पहले इंसान अपने आज के रूप में विकसित हो गए। उनकी आवाज की नली भी अलग ढांचे में विकसित हो गई, जिसकी वजह से वो अलग तरह की आवाज निकाल सकता था और अपने लोगों के साथ संचार कर सकता था। एक बार आवाज विकसित करने के बाद अब इंसान अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने लगा और धीरे धीरे एक सामाजिक ढांचे में रहना सीख रहा था। हालांकि हम अपने आज के रूप में आ चुके थे, लेकिन कई आविष्कार अभी भी बाकी थे। अपने लिए एक समाज, घर और नगर का निर्माण करना बाकी था। कहने को आज भले ही मनुष्य अपनी एडवांस स्टेट में है, लेकिन आज भी एवोल्यूशन जारी है। मनुष्य आज भी बदल रहा है और उसका एवोल्यूशन जारी है। पर अब इस पूरी एवोल्यूशन की प्रक्रिया को डिटेल में बताने लगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका पार्ट 4 भी जरूर बना दूंगा, इसलिए आप कमेंट में अगर चाहिए तो पार्ट 4 जरूर मेंशन करिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।